नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं निष्पक्ष बात, मैं हूं सुनील यादव। सबसे पहले सुर्खियां। बेटी की तलाश में थानों के चक्कर लगा रही मां, लड़की को बेच दिए जाने की है मां को आशंका। अनियंत्रित होकर गंजाल नदी के पुल से गिरे ट्रैक्टर ट्रॉली, देखने वालों का अमड़ा हुजूम। रोजगार मेले का किया आयोजन, कई युवा पहुंचे अपनी किस्मत आजमाने। सिवनी मालवा नगर पालिका के सामने SS मोबाइल गैलरी में मोबाइल खरीदना हुआ आसान। यहां होगा मनचाहा फाइनेंस, मनचाही आसान किस्तों में। गीता एयरकूल्ड में रणबीर कपूर का शानदार धमाका संजू। मैं बढ़िया तू भी बढ़िया, पर मैं आजाद हूँ चिड़िया। अब खबरें विस्तार। एक माँ अपनी बेटी की खोज में थानों के चक्कर काट रही है। माँ का आरोप है कि पुलिस कार्रवाई कर मेरी बेटी को नहीं ढूंढ रही है। जब इस मामले की खोजबीन निष्पक्षवाद की टीम के द्वारा की गई तो ये बात सामने आई कि होशंगाबाद जिले की डुनरिया तहसील के ग्राम उराड़ी की रहने वाली अनीता बाई की बेटी 1 जून को घर से सामान लेकर कहीं चली गई है। उसके बाद उसके फोन उसकी माँ अनीता के पास आते हैं और वो कहती है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन यह नहीं बताती कि कहाँ हूँ, जिससे परेशान माँ अनीता बार बार थाने के चक्कर काट रही है। माँ का कहना है कि उसकी बेटी को बेच दिया गया है, क्योंकि जिस लड़के पर शक था कि इसके साथ वह गई है वो सभी वापस गाँव आ गए हैं, बस मेरी लड़की ही नहीं आई है। वही लड़की अपना नाम पता भी नहीं बता रही है। इसका मतलब है कि लड़की को डरा धमका कर रखा जा रहा है। सुने क्या कहना है अनीता बाई का। कितनी पुरानी बात है ये? 1 तारीख की रात की बात है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर वो गई, हमारा मोबाइल लेके गई थी, उसने गई उस दिन फोन लगाई थी। क्या बात हुई थी? कि मेरे को ढूंढो ना, मैं जा रही हूँ जी। तो हमने पूछे भी उससे तो उसने कछु पता नहीं बताई, और जो जो नंबर से बात हुई थी वो नंबर भी मैंने सुबह आकर रिपोर्ट भी लिखवाई थाना में। फिर क्या हुआ थाने में? ढूंढे ढांडी भी करी है, तो सूरज के चंपलाल के दुआड़ी सबके द्वारा से। तो फोन में बोला कि मैं घर पर ही हूँ, अभी पूरा बोल रहा हूँ काले खड़ी, हम काले खड़ी पे वहाँ नहीं मिला। फिर उसकी भाभी ने बोले कि वो रात का रोटी नहीं खाया, चोरी गाड़ी लेके गया है जी। फिर मैंने फिर सूरज के पास फोन लगाई तो बोलता है कि मैं घर ही हूँ, और हम उसके घर में बैठे, उसके पापा मम्मी सब बैठे। फिर दूसरे दिन में गई, मैंने बोली कि तेरे साथ ही तू शादी करके आओ, फिर मैं पता बता दे, फिर भी नहीं बताया हमने। और इसके बाद मैं 3 दिन तक गई घर, उसके मैं घर नहीं मिला। तीसरे दिन उसके पापा से कहने की तू भी चल रिपोर्ट डाल, तेरे लड़का को ले तो उसके गाँव पूरे खबर हो गई, उसके गाँव से फोन आया तक तुम्हारे गाँव के लड़के सूरज ने लेके आए। उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद मैं यहाँ डबल से भाग गई तो वो लड़का नहीं मिला। फिर उसके पापा से चल रिपोर्ट डाल थाना में, हमारे साथ आया मेरे को थाना नहीं गया। फिर उनने इधर जाके फोन लगाया कि तू जल्दी आ, मेरे को थाना में बिठा ले। सूरज आया 11 बजे रात को, 11 बजे रात तक उसके घर गई थी, जब वो आया जब मैं घर आ। फिर अभी क्या समस्या है, क्या दिक्कत हो रही है? लड़की नहीं मिल रही और मैं तीनों गांव में। पुलिस ने आवेदन दिया है तो अभी तक क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? ये चाहिए कि मेरी लड़की मिल जाए, जिसको साथ करिए, उसको पता ही नहीं कहाँ बेचे, कहाँ पहुँचे, कहीं कौन कौन देश से नंबर आ रहे हैं। आपके पास फोन भी आए हैं क्या? उसके बाद क्या बात हुई है जब फोन आए थे? तो वो लड़की बोलती मेरे को ढूंढो मत, मैं अच्छी हूँ और सूरज के साथ गई थी, सूरज ने शादी नहीं करा, तुमने थाना में कंप्लेंट करे तो सूरज मेरे को छोड़ के चला गया, अब मैं दूसरी जगह हूँ, ये ठिकाना नहीं बता रही है। आपको क्या शक है, क्या समस्या आ रही होगी? लड़की को भेज दी अपने देश से बाहर, लोकेशन चल रहे उसके मोबाइल का, पहले चला सलकनपुर अपने होशंगाबाद, फिर भोपाल कोटा का चला, और अब तो अपने देश से बाहर चल रहे हैं। बैतूल में मध्य प्रदेश रोजगार निर्माण बोर्ड एवं जिला प्रशासन द्वारा जयवंती महाविद्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मध्य प्रदेश रोजगार निर्माण बोर्ड के अध्यक्ष हेमंत राव देशमुख, सांसद ज्योति दुर्वे सहित बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल ने किया। हमारे संवाददाता अमित पवार ने बताया कि मेले में हजारों युवा अपनी किस्मत आजमाने पहुंचे। मेले में आई कंपनियों के द्वारा 10,000 रूपए से लेकर 18,000 रूपए प्रति माह वेतन देने के साथ साथ रहने ठहरने की व्यवस्था सहित
पीएफ बोनस सहित अन्य सुविधाएं भी देने की बात कही गई है। वहीं आवेदक को मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली या राजस्थान में नियुक्ति देने की बात की जा रही है। रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है, क्या है इसका उद्देश्य, किस तरह बेरोजगारों को रोजगार? मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान का एक स्वप्न है कि मध्य प्रदेश को बेरोजगार मुक्त प्रदेश बनाया जाए। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने एक व्रत हाथ में लिया है कि मध्य प्रदेश को बेरोजगार मुक्त बनाया जाए। इस काम को हमने 2 मई से शुरू किया था। लगभग हमारा जो लक्ष्य है उसके हम करीब पहुंचे हैं और हम लक्ष्य को ओवर टारगेट के रूप में अचीव करेंगे। तो यही एक मुख्य उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश बेरोजगार मुक्त हो। और मेरा उद्देश्य जो है वो बैतूल जिले को बेरोजगार मुक्त करना, ये मेरा उद्देश्य है। इसीलिए बैतूल में ये तीसरा रोजगार मेला है। अभी तक 2 तारीख से कितने युवाओं को रोजगार मिल चुका है? अभी तक बहुत मिले हैं, लेकिन 4 अगस्त की चूंकि तारीख है और उसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, तो मैं आधिकारिक रूप से नहीं बता सब पाऊंगा आपको कि कितनी संख्या हुई है, लेकिन मैंने बताया कि लक्ष्य के हम लोग लगभग नज़दीक पहुंच चुके हैं। तो बस से लाने की जरूरत क्यों पड़ी? बस से लाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बारिश का समय था, कुछ बच्चों को रोजगार चाहिए था। बच्चों की मांग ये थी कि हम लोग अगर बारिश नहीं तो आ नहीं पाएंगे, तो बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बसेस लगाई गई। और बच्चों को अगर ये सुविधा मिलती है तो बुरा क्या है, हम बाकी कार्यक्रमों में बुलाते हैं, रोजगार के लिए भी बुला लिया। सर, विदेश का जो लिखा है आपने, विदेश में जॉब बुला नहीं, अब उनका इंटरव्यू होगा, बीएससी नर्सिंग और हॉस्पिटलिटी इसके लिए भी इंटरव्यू होने जा रहे हैं, तो वो तो बच्चों का है, ये अवसर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरदा में स्कूल खुलते ही स्कूलों के आसपास जाम लगना शुरू हो जाता है। स्कूलों के बाहर बेतरतीब खड़े वाहनों से सबसे ज्यादा जाम लग रहा है। हमारे संवाददाता शैलेंद्र यादव ने बताया कि शहर के सेंट मेरी स्कूल के पास दोपहर लगभग 1:30 बजे जाम लग गया था, जिसके चलते वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। भारतीय किसान संघ के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन SDM धीरेन्द्र सिंह को सौंपा। संघ के ब्लॉक अध्यक्ष शंकर सिंह पटेल ने बताया कि हमारी मांग है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों के द्वारा उत्पादित की गई संपूर्ण मूंग की खरीदी करे, साथ ही मंडी को आदेशित भी करे कि मंडी में ग्रेडिंग मशीन की व्यवस्था की जाए, किसानों को चने की फसल का भुगतान शीघ्र दिलाया जाए। इस अवसर पर जगदीश पाटिल, सूरज बली जाट, गुलाब सिंह लोवंशी, संतोष पटवारे, इंद्राज सिंह राजपूत, देवेंद्र पटेल, कृष्णपुरी राजनारायण रघुवंशी सहित अन्य उपस्थित थे। केंद्रीय विद्यालय की कक्षा 11वीं में प्रवेश से वंचित वहीं की अध्ययनरत छात्रा ने SDM कार्यालय में पहुंचकर SDM धीरेन्द्र सिंह को ज्ञापन सौंपा। छात्रा सफलता मालवी ने आरोप लगाया कि कक्षा 10वीं में 55% से कम अंक लाने वाले छात्राओं को कक्षा 11वीं में प्रवेश न देते हुए स्कूलों से निकाला जा रहा है, जो कि गलत है। हमने बचपन से वहीं पढ़ाई की है, वहीं NCC का सर्टिफिकेट होने पर कुछ प्रतिशत की छूट दी जा रही है, लेकिन स्कूल में छात्राओं के लिए NCC नहीं है। वहीं मेरे ही समकक्ष योग्यता रखने वाली लड़की को इसलिए प्रवेश दिया जा रहा है क्योंकि उनकी पहचान है। आ रही है एडमिशन लेने में, मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा, 55% से कम वालों को एडमिशन नहीं दे रहे हैं मेरे, लेकिन 53.6 है। कौन से स्कूल में हो, क्या नाम है? विद्यालय सफलता मार्ग। क्या बोल रहे हैं स्कूल वाले? स्कूल वाले बोल रहे हैं यदि तुम्हारे पास NCC का सर्टिफिकेट होगा तो तुम्हें 5% उसकी मिलेगी, या फिर स्पोर्ट्स का रीजनल या नेशनल होगा उसका मिलेगा, लेकिन NCC गर्ल्स का है नहीं और जो स्पोर्ट्स है उसमें गर्ल्स टीचर हैं। इसकी कोई लिखित शिकायत नहीं? इसमें अब क्या चाहते हो? मैं चाहती हूँ कि मुझे एडमिशन मिल जाए, सिर्फ 1% का उससे मुझे एडमिशन नहीं देगा। हरदा जिले के गंजाल नदी के पुल से ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर नदी में गिर पड़ी। ट्रैक्टर की नदी में गिरते ही जहां 2 टुकड़े हो गए, वहीं ट्रैक्टर चालक सहित अन्य लोगों को मामूली चोटें आई। हादसा होते ही पुल के ऊपर से ट्रैक्टर ट्रॉली देखने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा। ट्रैक्टर ट्रॉली पुल से नीचे गिरने की घटना के बाद एक बार फिर लोगों को चर्चा करते हुए देखा गया कि पुल की दोनों ओर मजबूत रेलिंग होना बहुत जरूरी है, जिससे कि वाहन नदी में ना गिरे। सिवनी मालवा में जहां बाईपास पर एक प्याज से भरा हुआ ट्रक पलट गया, वहीं दूसरा डंपर सिवपुर रोड पर कोपरा से भरा हुआ पलट गया। दोनों ही हादसों में हालांकि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन सड़क पर आप कितने सुरक्षित हैं इसका अंदाजा इन दोनों हादसों को देख लगाया जा सकता है। राम झकलाई में नारायण साहू के घर में बीती रात एक हिरण रास्ता भटक कर आ गया, जिसके बाद ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि भानु प्रताप रघुवंशी को सूचना दी गई। ग्रामीणों ने सुबह हिरण को सुरक्षित वन परिक्षेत्र लाकर वन अमले को सौंप दिया। हिरण को सुरक्षित वन विभाग को सौंपने पर सरपंच प्रतिनिधि भानु प्रताप रघुवंशी, नारायण साहू, अर्जुन पटेल, सुनील वर्मा, दिनेश रघुवंशी सहित बलराम रघुवंशी की सभी ने तारीफ की। सिवनी मालवा की ग्राम पंचायत बीजावानी में उज्ज्वला योजना का लाभ 21 हितग्राहियों को दिया गया। ग्राम पंचायत सरपंच शोभा गोस्वामी ने बताया कि अब योजना का लाभ केवल 21 लोगों को मिला है और अन्य लोगों को भी योजना के तहत लाभ मिले इसके लिए प्रयासरत है। वही SC ST वर्ग के 70% लोगों को लाभ दिलाया जा चुका है। उज्ज्वला गैस वितरण कार्यक्रम में सरपंच शोभा गोस्वामी, सचिव राहुल रघुवंशी, सरपंच प्रतिनिधि विजय गोस्वामी, भैयालाल, विष्णु प्रसाद, लखन चंदर सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित थे।